नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक वाइव स्टूडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित तिवारी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप Amazon में ई गिफ्ट कार्ड को अपने मोबाइल के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हैं, जिसे आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट से रिडीम करते हैं, और उस कैश की वैलिडिटी कब तक होती है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, और आप उस कैश को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसकी भी जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप फर्स्ट टाइम मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको Amazon ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको Amazon पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको नीचे जाना है गिफ्ट कार्ड वाले सेक्शन में। इसके बाद गिफ्ट कार्ड वाले सेक्शन में नीचे आपको यहाँ पर एड ए गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अभी देख लीजिए मेरा बैलेंस जीरो है। अभी सॉलिड कॉलम में आपको सबसे पहले आप अपने वाउचर का नंबर भर लेना है। इसके बाद यहाँ नीचे ऐड टू योर बैलेंस पे क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, मेरा कूपन जो है वो ऐड हो चुका है और इसमें 500 बैलेंस भी आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपना गिफ्ट कार्ड Amazon में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बता देता हूँ कि आप इसकी वैलिडिटी कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा। ट्रांजेक्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर ही आपने अभी जो ऐड किया वो दिख जाएगा 500 रुपीज का। इसके बाद यहाँ साइड में ये जो एरो है इस पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको इसकी एक्सपायरी डेट और गिफ्ट कार्ड की आईडी दोनों दिख जाएगी। तो इसकी एक्सपायरी आईडी जो है दोस्तों वो 30 जून 2023 है। तो इस तरीके से आप जो है अपने गिफ्ट कार्ड में जो बैलेंस आप ऐड करते हैं वाउचर के थ्रू, उसका एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं। तो इसके बीच में ही आपको इस बैलेंस को यूज कर लेना है, अदरवाइज ये अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। और दोस्तों, आप इस बैलेंस को जो है रिचार्ज करने के लिए, डीटीएच की पेमेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के लिए और गैस सिलेंडर की पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आप ई गिफ्ट कार्ड को Amazon में जो है ऐड कर सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर के माध्यम से ऐड करना चाहते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे ऐड करना है। तो उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको Amazon ओपन कर लेना है अपने ब्राउजर में। इसके बाद उसको लॉगिन कर लेना है, और यहाँ ऊपर में आपको Amazon पे का ऑप्शन दिख जाएगा। ये देखिए, ये रहा, इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ लेफ्ट साइड में आपको सेकंड नंबर पे ऐड गिफ्ट कार्ड दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस वाले कॉलम में यहाँ पर आपको अपना कूपन कोड ऐड कर लेना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको ऐड टू योर बैलेंस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका कूपन जो है वो ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कंप्यूटर के माध्यम से भी अपना गिफ्ट कार्ड जो है वो Amazon में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।